अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, जिस तरह के मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया भी था कि गर्मियों में लवबर्ड को किस तरह का दाना देना चाहिए, क्या क्या उसमें मिक्स करना चाहिए, किस क्वांटिटी में मिक्स करना चाहिए, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। और बहुत से लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि यार किस तरह का दाना देना चाहिए। तो मैं अपने परिंदों के लिए दाना लेने गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना कि आप लोगों के लिए भी छोटी क्वांटिटी में अलग से थोड़ा थोड़ा दाना सेपरेट लेकर आऊं और मिक्स करके आप लोगों को दिखा दूँगा कितनी क्वांटिटी का दाना लेना चाहिए हमें लवबर्ड्स के लिए और क्या क्या उसमें मिलाना चाहिए। तो आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में देनी है। तो सबसे पहले दोस्तों, ये हमारे पास है बारीक बाजरा। बारीक बाजरा हमें लेना है 2 किलो। उसके बाद हमारे पास है मोटी कंगनी। मोटी कंगनी हमें लेनी है 1.5 किलो। उसके बाद हमारे पास है बारीक कंगनी। बारीक कंगनी भी हमें लेनी है 1.5 किलो। उसके बाद फिर हमारे पास आता है मोटा बाजरा। मोटा बाजरा हमें लेना है 2 किलो। फिर हमारे पास आता है कनेरी सीड। कनेरी सीड हमें लेनी है 1 किलो। फिर हमारे पास आता है मकई। मकई हमें लेना है 1 किलो। फिर हमारे पास आती है जई। जई भी हमें 1 किलो लेनी है। दोस्तों, ये वो चीज़ें हैं जो हमें लवबर्ड्स का गर्मियों का दाना बनाने में इस्तेमाल करनी है। और मेरे पास क्योंकि परिंदे ज़्यादा हैं तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर आता हूं, तो मैंने लिस्ट जो हिसाब अभी बनाया है आप लोगों को दिखाया है, ये 10 किलो के दाने का हिसाब है। अगर आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर रिपीट करके बता देता हूं कि हमें 2 किलो बारीक बाजरा लेना है, 2 किलो मोटा बाजरा लेना है। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, हमें 2 किलो बारीक बाजरा लेना है, 2 किलो मोटा बाजरा लेना है, 1.5 किलो बारीक कंगनी लेनी है, 1.5 किलो मोटी कंगनी लेनी है, 1 किलो कनेरी लेनी है, 1 किलो जई लेनी है और 1 किलो मकई। ये हमारा 10 किलो दाना लवबर्ड्स का तैयार हो गया। ये सारा दाना आपको एक साथ मिक्स करके, अच्छी तरह मिक्स करके, बगैर किसी ब्रीडिंग फॉर्मूले के, बगैर किसी एडिशनल चीज़ या सप्लीमेंट के आपको अपने तोतों को खिलानी है, ताकि आपके तोते जब ब्रीडिंग आपने बंद कराई हुई हो तो अच्छी तरह से सेहत पकड़ सकें और जब ब्रीडिंग सीज़न आए तो आपको बेस्ट ब्रीड दे सकें। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप लोगों को कुछ बात पूछनी है तो